हेलो दोस्तों, आपका फिर स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, आज के वीडियो में आपको दिखाएंगे मोबाइल माउंट जो हमने ऑर्डर किया था अमेजन से। इस बार जो हम आपके लिए मोबाइल माउंट लेके आए वो है एक्शन प्रो ब्रांड का। इससे पहले हमने आपको स्लॉविक का मोबाइल माउंट दिखाया था और ओवेस्टा का भी मोबाइल माउंट दिखाया था। आज की वीडियो में देखेंगे क्या इसकी भी बिल्ड क्वालिटी उतनी ही अच्छी है जितनी आपकी स्लॉविक और बाकी ब्रांड्स की आती है। अभी तक आपने हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे लेटेस्ट वीडियोस मिलते रहे। इस तरीके की पैकिंग में आता है एक्शन प्रो का मोबाइल माउंट। इससे पहले मैंने आपको ओवेस्टा एंड स्लॉविक के भी मोबाइल माउंट दिखाए थे। जल्दी से आपको मैं एक बार बैक साइड से दिखा दूं तो ऐसे कुछ इन्फॉर्मेशन दी नहीं गई है। इसको मैं कट कर लेता हूं और आपको एक बार इसकी बिल्ड क्वालिटी दिखाता हूं। फिर आपको मैं दिखाऊंगा कि जब इसको हम ट्राईपॉड में ऑन करते हैं तो कितना आपका मोबाइल फोन स्टेबल रहता है। इसको मैंने कट कर लिया है और इसको निकाल लेते हैं। तो अगर आप देखें, आपको फर्स्ट इंप्रेशन दूँ तो आप देख पाएंगे डिज़ाइन वाइज सेम ही है। अगर आपने स्लॉविक का भी हमारा पहले का वीडियो देखा या ओवेस्टा का भी मोबाइल माउंट का वीडियो देखा है तो उसमें आपने देखा होगा सेम ही डिज़ाइन आता है। और आप देखें तो यहाँ पे एक्शन प्रो की ब्रांडिंग मिल जाती है मोबाइल माउंट की। आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे आपको अगेन फीचर मिल जाता है जिससे आप इसको 360 डिग्री पर रोटेट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे देख पाएं तो आपका जो फोन मोबाइल फ़ोन है वो आपका 360 डिग्री पर रोटेट हो जाएगा। और अगर इसको आपको लॉक करना है तो यहाँ से आप इसको स्क्रू को टाइट करके इसको लॉक भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से इसमें लॉकिंग मैकेनिज्म वर्क करता है। अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको यहाँ पे स्क्रू को लगाने का ऑप्शन मिल जाता है। जो भी आपका ट्राईपॉड का माउंट है आप इसको मोबाइल माउंट को उस पर होल्ड कर सकते हैं, क्लैंप पे फिक्स कर सकते हैं। यहाँ पे जो स्क्रू का साइज होता है वो स्टैंडर्ड ही होता है तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है कि आपके ट्राईपॉड पे फिक्स होगा ही नहीं। सारे ट्राईपॉड्स कोई से भी मोबाइल फोन का आप माउंट ले रहे हैं उनका सबका स्टैंडर्ड साइज ही आता है। तो आप इसको फिक्स कर दीजिए, जिसको मैं भी ट्राईपॉड पे लगा के दिखाऊंगा तब आपको आइडिया लग जाएगा। अगर आपको मैं दिखाऊं तो आप यहाँ पे देख पाएंगे यहाँ पे मोबाइल फोन को माउंट करने के लिए भी आपको स्प्रिंग सिस्टम नहीं है, यहाँ पे अगेन स्क्रू वाला सिस्टम दिया गया। तो उसका बेनिफिट होता क्या है कि स्क्रू सिस्टम पे सेम वो हमेशा टाइट रहता है बट स्प्रिंग सिस्टम जो होता है वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता, थोड़े समय बाद वो ढीला पड़ जाता है। तो इसकी वजह से आपका मोबाइल फोन उससे गिर सकता है। तो अगर आपको मैं इसको पूरा ओपन करके दिखाऊं तो आप देखेंगे अच्छी हाइट मिल जाएगी। तो इससे कईयों के मन में ये भी डाउट रहता है कि आप सैमसंग के फ़ोन इस पे लगा पाएंगे या नहीं, या बाकी ब्रांड्स के शाओमी वगैरह के या अगर वीवो के या उसके ब्रांड्स के लगा रहे हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे आपको प्रॉपर हाइट इतनी मिल जा रही है। इसमें मैं अपना मोबाइल फ़ोन भी लगा के दिखाऊंगा तो आपको आइडिया लग जाएगा कि आप कवर के साथ भी इसमें फिट कर पाएंगे। और अभी भी देखें तो इसका साइज़ इतना है कि आपका कोई भी जो अभी ब्रांड्स के मोबाइल फ़ोन आ रहे हैं मार्केट में अवेलेबल हैं वो सारे के सारे इसमें इजिली फिट हो पाएंगे। और देखिए अभी भी ओपन हो रहा है तो एनफ हाइट मिल जाती है। आपको मैं पास ला के दिखाऊं तो एनफ हाइट है इसमें मोबाइल फोन को एडजस्ट करने के लिए। और आप देखेंगे यहाँ पे ग्रिपिंग के लिए साइड्स में रबड़ भी लगाया गया तो इससे आपके मोबाइल फोन को डैमेज नहीं करेगा। तो अभी के लिए आपको मैं इसमें, मेरे पास वन प्लस का मोबाइल फोन है, इसको मैं इसमें माउंट करके दिखाता हूँ। इसको करते लॉक और इसमें देखेंगे आप, तो अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि इसको यहाँ पे रखने के बाद भी मेरी उंगली यहाँ पे जा सकती, इतना एनफ स्पेस है। तो इसको मैं एक बार टाइट कर देता हूँ, जल्दी से आपको इस बैक साइड से दिखाता हूँ। तो इस तरीके से मैं देखिए इसको टाइट करता हूँ तो एनफ स्पेस आपको मिल जाएगा इस पे लगाने का। तो एक्शन प्रो का इसकी बिल्ड क्वालिटी भी मुझे अच्छी लगी। तो आपके पास अब तीन ऑप्शन मिल जाते हैं, आप स्लॉविक का भी ले सकते हैं, ओवेस्टा का भी ले सकते हैं एंड एक्शन प्रो का भी मोबाइल माउंट ले सकते हैं। तो मैंने इसको टाइट कर दिया है और आपको एक बार मैं टेस्ट भी करके दिखा दूंगा। तो आप देख रहे हैं एकदम इसको मैंने टाइट कर दिया, आप देखें मैं पूरा शेक कर रहा हूँ पूरी पावर के साथ और ये मोबाइल फोन इससे नहीं गिर रहा है। तो ये बेनिफिट हो जाता है जब आप अच्छी क्वालिटी का मोबाइल माउंट लेते हैं, लोकल नहीं लेते हैं, तो आपका बेनिफिट ये हो जाता है इस मोबाइल माउंट एक्शन प्रो का। अब इसको जल्दी से मैं ट्राईपॉड पे माउंट करता हूँ और आपको दिखाता हूँ उसके बाद ये कैसा दिखता है। तो मैंने तो मोबाइल को इसमें माउंट करके टाइट कर दिया स्क्रू वगैरह। तो आपको भी सजेस्ट करूंगा जब भी आप अपना मोबाइल फोन मोबाइल होल्डर पे माउंट करें तो उसको जरूर टाइट कर लें ताकि आपका मोबाइल फोन गिरे ना। अब मैं ट्राईपॉड से क्लैंप को निकाल लेता हूँ जैसे मैंने आपको बताया था और बहुत ईजी होता है। तो अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पे एक आपका स्क्रू होता है और ये स्टैंडर्ड साइज का था जो आपको मैंने पहले भी वीडियो में बताया था। इस स्क्रू को यहाँ पे जब मैं इसको प्लेस करके टाइट करूंगा तो आपका इस पे एकदम माउंट हो जाएगा। तो इस तरीके से अभी मैंने स्टैंडर्ड पूरा प्रॉड फिक्स नहीं किया है, मैं आपको टेम्परेरी करके दिखा रहा हूँ। तो इसको आप लॉक कर दीजिए अपने ट्राईपॉड में और इस क्लैंप को मैं फिर से लगा देता हूँ। तो इस तरीके से देखेंगे माउंट हो गया। तो अभी प्रॉपर मैंने प्लेस नहीं किया है, अगर आप जब प्रॉपर वीडियो बना रहे होंगे तो आप उसको प्लेस कर सकते हैं और लॉक इनका देखें तो ये नहीं गिर रहा, कितना स्टेडी है। और आप देखें बिल्ड क्वालिटी वाइज भी बहुत अच्छी है, अभी ट्राईपॉड के साथ ये हिल रहा है, वैसे अगर आप देखें तो ये गिरने का नहीं होगा। मैं पूरा रिस्क ले रहा हूँ, जबकि आप देखें मोबाइल फोन जिसमें मैंने माउंट किया वो वन प्लस का, तब भी मैं पूरा रिस्क ले रहा हूँ क्योंकि मुझे ट्रस्ट है कि जो एक्शन प्रो का ये जो बना आया है मोबाइल माउंट ये सॉलिड है। तो अगर आप भी दोस्तों प्लान कर रहे हैं अपने लिए अच्छा एक मोबाइल माउंट परचेज करने का तो आप एक्शन प्रो का ये मोबाइल माउंट ले सकते हैं।
अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट है कि आपको ये मोबाइल माउंट लेना चाहिए या नहीं, आप कमेंट सेक्शन में जाकर क्वेश्चन कर सकते हैं, उसका जरूर रिप्लाई करेंगे। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।